जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जेडी फिजिकल में। मैं आज आपको शेड्यूल वर्क जो करा रहा हूँ, बच्चों के स्टेमिना वर्क करा रहा हूँ 400 मीटर। क्यों बेटे? यस सर। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है? सी ग्रुप, यानी सीनियर ग्रुप है ये। ये हमारा बहुत पुराना है, कम से कम 1.5 से 2 महीने है। क्यों बेटे? यस सर। तो इनकी टाइमिंग एक चक्कर की मैं 1:20 लगा रहा हूँ, यानी 400 मीटर की 1:20। तो उससे क्या होगा कि इनका जो स्टेमिना है वो बढ़ेगा तेजी से। और इसके बाद मैं कई ग्रुप बना रखे हैं, 3 ग्रुप, उनका थोड़ा अलग टाइम है। तो चलते हैं पहले हमारे सी ग्रुप में, देखते हैं इनकी टाइमिंग 1:20। ठीक है बेटे? यस सर। यू रेडी? यस सर। गाना बेटे उधर। चपके तो यार। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो वर्कआउट मैं करा रहा हूँ बच्चों को, तो उससे क्या होता है कि इससे बच्चों को टाइमिंग का अंदाज लगता है और किस तरह हमको भर्ती के दौरान किस तरह टाइमिंग अच्छी देनी है, कि पहला राउंड कितने में देना है। तो इस तरह बच्चों को 1:20, 1:15, 1:10, 1:25 का अनुभव हो जाएगा। उसी तरह बच्चे, उनको पता चल जाएगा कि हमारा कितने में, हम जो इतने में दौड़ रहे हैं तो कितने में हमारा राउंड लग रहा है, क्या हो रहा है। तो इस यही शेड्यूल वर्क होता है हमारा, और इससे बच्चे को पूरी तरह अंदाज़ा हो जाता है किस तरह को हमें रनिंग करनी है। और वैसे अगर नहीं पता है बच्चे को तो पता नहीं पहला चक्कर 1:1 में भग जाएगा, फिर लास्ट में बैठ जाएगा, तो उसे मज़ा नहीं आएगी। तो पहला चक्कर कैसे दौड़ना है, क्या करना है, इसीलिए शेड्यूल वर्क होता है। तो आपको अगले वीडियो में जब हम कभी बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि जब 1600 मीटर की रनिंग करते हैं तो पहला चक्कर कितने में भगते हैं और दूसरा कितने में। तो दिखाओ इधर। एक 20 सबस नेक्स्ट। ग्रुप बी ग्रुप जल्दी हट जाइए, बी ग्रुप पास जल्दी 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 आजा। पीछे से ब्लर कर दो। कौन सा ग्रुप है? बी ग्रुप। मजा रही है? यस सर। तो ये बी ग्रुप है, ये थोड़ा भी नया है ग्रुप, और नए की वजह से इनको थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे अगर इनको ज़्यादा टाइमिंग देंगे तो भी इनकी इंजरी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं और अच्छे से कर रहे हो। क्यों बेटे? यस सर। तो तुमको कितना टाइम दे रहा हूँ मैं? 1:20। कितने मीटर का? 400। गुड, अच्छे से कर रहे हो? यस सर। तो देखते हैं फिर आपका भी। यार रेडी? यस सर। अप। चलो चलो सब। तो दोस्तों, मैं कई ग्रुप यहाँ पर बनाकर बच्चों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये बी ग्रुप था तो इसकी थोड़ी टाइमिंग ज़्यादा है। अभी हमारे पास एक और ए ग्रुप है जो अभी नया ग्रुप है ये, और इनके कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े अभी पहले जब रनिंग कर रहे हैं तो इंजरी हो रही है, तो इनको थोड़ा धीमी रनिंग कराने के बाद इनकी मसल्स में पावर आएगा कहीं ना कहीं। अभी ये ग्रुप जो बी आ रहा है तो ये आ रहा है 1:30 में आएगा, और ऐसे करते करते इनको अभी कुछ दिन कराएंगे, फिर धीरे धीरे इनकी टाइमिंग और कम कर देंगे। तो दिखाओ इधर। आवाज नहीं। पच्चीस 30 गुड। एक ग्रुप जल्दी चल, जल्दी आजा, जल्दी कर चल इधर।
जल्दी, कौन सा ग्रुप है ये? अभी नए हो सारे? यस सर। पेट भी बड़ा हुआ है? नहीं सर। अभी अभी आए हो? यस सर। दर्द भी हो रहा है? यस सर। आप लोग का 400 मीटर कितना टाइम लग रहा है? 1:40। 1:40 मैं दे रहा हूँ ना? यस सर। आप आ जाते हो जल्दी? यस सर। ठीक है, तो ये आपके स्टेमिना वर्कआउट हो रहा है। यस सर। ठीक है, 1:40 में ही आना है आप लोगों को। सर सर, आ गया ना समझ में? यस सर। क्या रेडी? नहीं, 1:40 में। चलो रे बैठ जाओ, रेस्ट करिए। बैठ जा। ओके, अरे शिवम कहाँ गया? मजा रही है? यस सर। आवड़े? यस सर। है? यस सर। कैसे मायूस बैठे हो? कहाँ मायूस? हाँ लंबा कर। जोश है सर। जोश है क्या? यस सर। मजा रही है? यस सर। मायूस कैसे बैठे हो? सही नहीं सर। है लंबे करो। है लंबे कर। चल चल इधर, चल 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 इधर। अरे अपने ग्रुप में तो दोस्तों ये था हमारा शेड्यूल वर्कआउट जो हम आपको दिखा रहे थे। तो 3 ग्रुप हमने बना रखे थे और सी ग्रुप की अलग टाइमिंग थी, बी ग्रुप की अलग थी, ए ग्रुप की अलग थी। तो ये हमारा वर्कआउट होता है बच्चे का पावर, मसल्स पावर बढ़ाने के लिए, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे ये कराने से बच्चे की स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों बगल में बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो मैं नया वीडियो अपडेट करता रहूं तो आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए जय हिंद।